फिर हम आगे बढ़े और यहाँ से श्रीनगर 139 किलोमीटर रह गया था, तभी बहुत लंबा जाम लग गया। थोड़ा आगे चलने के बाद बस वाले ने बस रोकी। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई थी और यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा था। हमने यहाँ थोड़ा एंजॉय किया और आगे बढ़े। शाम 5 बजे हम शैतानी नाला, जो कि अगला पड़ाव था, यहाँ पहुँचे। यहाँ काफ़ी लंगर भी लगे हुए थे। मौसम बहुत ही सुहावना हो गया था। यहाँ पर कुदरत का नज़ारा देखते ही बनता था। हमारा शैतानी मोहल्ला है, शैतानी इलाका है इस जगह का नाम है। और यहाँ पे बहुत ठंड है, मतलब ठंड लग रही है, मज़ा भी आ रहा है। रात को जब यहाँ से चले तो आगे आर्मी वालों ने हमें सिक्योरिटी रीजन की वजह से रोक लिया और हमने बेस कैंप में रात गुजारी। आज चौथा दिन, कल की रात बड़ी भारी थी, आज सुबह उठते ही दिन भारी हो गए। सबसे पहले ड्राइवर के साथ लड़ाई होगी, अभी उसके बाद सीटों का कोई पंगा है और मेरे से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है गाड़ियों के साथ, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बट अभी फ़िलहाल आज का दिन भी भारी ही लगा। अगली सुबह 9 बजे हम श्रीनगर के लिए रवाना हुए। कुदरत के नज़ारों को देखते देखते हम बालटाल पहुंच गए।
खड़े हैं जोगी, कब कृपा तेरी होगी। तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, कब कृपा तेरी होगी। हम बालटाल पहुंचे और हम रात को एक लंगर में रुके। हमें अगली सुबह 3 बजे पवित्र गुफा के लिए निकलना था।